अपना भारत देख रहे हैं आप, शाम के 4 बजने वाले हैं और आपका पसंदीदा शो 4 का फायर लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। वो चौराहा जब खूनी चौराहे में बदला तो उस घड़ी ऑन थे 40 कमरे, 40 कैमरों ने दर्ज किया हर कतरा। अब इन्हीं 40 कैमरों की कड़ियां जोड़कर एजेंसियां पहुंचेंगी इस किलर कांड के सरगना के पास। जी हाँ, 40 वीडियो सबूतों में किलर मास्टरमाइंड का पूरा प्लानिंग से वारदात तक आपको वीडियो सबूतों के जरिए मैं दिखाऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति नेगी आपके साथ। तो विलुप्त प्राय हिम तेंदुए की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। तो चीन के एक अस्पताल में क्यों चीख पुकार मच गई, वीडियो सबूतों में आपके सामने होगा। तो आसमान से शहर शहर आग कैसे उगल रहा है, जान बचाने के लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो सबूतों में होगी हर एक खबर। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। सुडान के गृह युद्ध की तपिश भारत तक आखिर कैसे पहुंची है, कहां घर के पास में टाइगर घूम रहा है जिससे लोग अब टेंशन में हैं, वीडियो सबूतों के साथ ये खबरें भी आपके सामने होंगी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वर्षा शर्मा। दिखाएंगे आपको तमाम बड़ी खबरें जो आज की रही हैं, सब पर रहेगी नजर। शुरुआत करेंगे टाइम्स नाउ ना भारत, माफिया अतीक से जुड़ी हर एक खबर, हर एक अपडेट जो है आपको लगातार दिखाता आ रहा है। हम पिछले 90 घंटे से नॉनस्टॉप ग्राउंड जीरो से लगातार कवरेज दे रहे हैं। हमारे रिपोर्टर कैमरामैन अतीक के अतीत बनने से लेकर उससे मिट्टी में मिलाने तक के साक्षी जो है वो बन चुके हैं। तो इससे जुड़े सबसे तेज अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। वो चौराहा जब खूनी चौराहे में बदल गया तो उस घड़ी ऑन थे 40 कैमरे और 40 कैमरों ने दर्ज किया हर कतरा। अब इन्हीं 40 कैमरों की कड़ियां जोड़कर एजेंसियां दरअसल किस तरीके से पहुंचेंगे इस किलर कांड के सरगना के पास। और हम दरअसल ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अतीक की हत्या की जांच करते हुए अब पुलिस और एसटीएफ की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अब तक इस पूरे मामले में कुल 40 सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा चुके हैं। अतीक की हत्या के वक्त कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो थी वो उन सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी और इस सीसीटीवी फुटेज में अतीक की हत्या की प्लानिंग से लेकर वारदात को अंजाम देने तक के सबूत कैद हो सकते हैं। पुलिस को ये उम्मीद है कि इन 40 कैमरों की मदद से वो अतीक और अशरफ की हत्या के मास्टरमाइंड तक भी पहुंच जाएंगी। तो 40 कैमरों से मर्डर की गुत्थी सुलझेगी, ये अब उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें एसटीएफ एसआईटी लगातार पूरे मामले की जांच तो कर रही है और जिस तरह से अब जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें माना जा रहा है ये बहुत अहम हो जाएगा। बिल्कुल, विनोद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, 40 कैमरों से जो अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो बहुत ज्यादा मददगार यहाँ पर पुलिस के लिए साबित होने वाली हैं क्योंकि जांच बहुत तेजी से फिलहाल की जा रही है। अभी तक की बात करें तो क्या कुछ सामने आ चुका है? बिल्कुल, देखिए जानकारी देने से पहले आपको थोड़ा तस्वीरें दिखाता हूँ। ये हम उस वक्त वही जगह पर है जहाँ पे ये पूरा जो शूट आउट हुआ था, ये वही अस्पताल है और यहाँ जो कैमरे लगे हैं, आपको कैमरे दिखाते हैं एक बार जिसमें पूरी जो कहानी है वो कैद हुई है। ये सीसीटीवी कैमरा आप देख सकते हैं, इसी कैमरे से जो इसी अस्पताल का डीवीआर जो है पुलिस लेके गई है, इसमें कैद हुआ है। इसके अलावा आपको आगे दिखाते हैं जो हॉस्पिटल्स हैं और जिन होटल्स से फुटेज ले गए हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। इसी अस्पताल से लेकर जो बाहर की सड़क है वहाँ करीब 40 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिनके फुटेज जो है वो एसआईटी ले गई है और उसे खंगाला जाएगा। दरअसल इसके पीछे का मकसद है कि जो आरोपियों ने दावा किया था पुलिस के सामने कि वो यहाँ पर 2 दिन पहले भी आए थे, रेकी लगातार कर रहे थे, ये वो इलाका है। बिल्कुल ये स्टेशन का रोड है, यहाँ से स्टेशन करीब 500 मीटर दूर है और स्टेशन से लेकर यहाँ तक तमाम होटल्स हैं, लॉज हैं और इन्हीं में कहा गया कि वो दोनों आरोपी भी होटलों में रुके हुए थे, 2 होटल्स जिस पर पुलिस ने छानबीन की थी। उसके बाद से अब इस इलाके में जितने कैमरेज लगे हैं सीसीटीवी कैमरेज, उन सब के फुटेज पुलिस निकाल रही है ये जांच करने के लिए कि क्या वो रेकी करने उसी दिन आए थे या उससे पहले भी आए थे, क्या उन्होंने यहाँ रेकी की थी, साथ ही उनके साथ कोई और भी शख्स था या नहीं था। तो ये तमाम जो पहलू है उनको जानना जरूरी है। इसीलिए जैसे ही इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी सबसे पहले यहाँ पहुंची और उसने पहले हॉस्पिटल से जो है फुटेज लिए, उसके बाद अब इस इलाके में जितने भी दुकान है, होटल्स है, लॉजेस है, उन सभी के फुटेज निकाल लिए हैं। 40 फुटेज जो है अभी तक जो है 40 जगहों से जो है वो फुटेज लिए गए हैं और उनको जो है एनालिसिस किया जा रहा है कि आखिर इनकी तस्वीरें किन किन कैमरों में कैद हुई है, कब कब हुई है, किसके किसके साथ हुई है। बिल्कुल विनोद, देखिए लेकिन सवाल जब पुलिस पर खड़े हो रहे हैं विनोद, तो यहाँ जाहिर से बात है पुलिस को भी ये देखना होगा कि जल्द से जल्द गुड्डू मुस्लिम जैसे हाथ नहीं आया, शाइस्ता का पता नहीं चल पा रहा, सरेंडर करेगी नहीं करेगी, दबिश दी जा रही है। प्रयागराज में ही बात करें तो कल के दिन ही
अलग अलग जगहों पे दबिश दी गई है, लेकिन शाइस्ता भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी है। तो ऐसे में कई सवाल पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं और जाहिर सी बात है पुलिस को भी जल्द से जल्द गिरफ्तारियां करनी होंगी ये दिखाने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि लगातार विनोद तो बने हुए, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक का शूटर बमबाज गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है। दबिश के बाद भी पुलिस अब तक उसे पकड़ पाने में नाकाम रही है। अतीक की हत्या के बाद में गुड्डू मुस्लिम ही एक ऐसा शख्स है, उसके काले साम्राज्य के सारे भेद वो खोल सकता है। अब ऐसे में SIT ने गुड्डू मुस्लिम की तलाश भी तेज कर दी है। और असद के एनकाउंटर के बाद गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन कर्नाटक में मिली थी। माना यह जा रहा है कि गुड्डू बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है, लेकिन पुलिस की बढ़ती दबिश के आगे गुड्डू मुस्लिम कब तक बच पाएगा ये कहना मुश्किल है। माफिया अतीक अहमद का सबसे बड़ा राजदार उमेश हत्याकांड में 5 लाख रुपए का इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम की यूपी से लेकर दिल्ली, हरियाणा से कर्नाटक तक तलाश हो रही है। कर्नाटक में मिले लास्ट लोकेशन के आधार पर UP STF की बढ़ती दबिश के बीच माना ये जा रहा है कि गैंगस्टर गुड्डू मुस्लिम कभी भी दबोचा जा सकता है। आखिरकार अतीक के अंत के बाद भी पुलिस गुड्डू मुस्लिम के पीछे क्यों पड़ी है, आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल गुड्डू मुस्लिम कॉन्ट्रैक्ट किलर है, देसी बम बनाने में एक्सपर्ट है, अंडरवर्ल्ड में बमबाज के नाम से मशहूर है। 15 साल की उम्र में अपराधी बना गुड्डू मुस्लिम, कई माफियाओं के साथ ये काम भी कर चुका है। वैसे तो गुड्डू मुस्लिम कई माफियाओं के साथ काम कर चुका है, लेकिन अतीक उसके लिए हमेशा खास रहा। अतीक अहमद ने जब भी गुड्डू मुस्लिम से संपर्क साधा, गुड्डू ने अतीक के काम को अंजाम तक पहुंचाया। कहा तो ये भी जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ही अतीक और ISI के बीच का सबसे बड़ा राजदार है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को अपराध की दुनिया में जितना कम आता गया वो उससे कहीं ज्यादा बढ़कर शातिर और खतरनाक निकली। शाइस्ता पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को लगातार चकमा दे रही है। और इतना ही नहीं, इस बात का भी खुलासा हुआ है कि शाइस्ता अपने पति अतीक के लिंक को खंगाल कर अंडरवर्ल्ड लिंक का इस्तेमाल कर भागने की फिराक में है। यूपी की सबसे बड़ी लेडी डॉन माफिया अतीक अहमद की बेगा मोस्ट वांटेड शाइस्ता परवीन पुलिस से बचने के लिए बेहद ही शातिराना चाल चल रही है। वो कहाँ है, किसके घर है, कौन है वो जिसकी मदद से शाइस्ता अंडरग्राउंड है? उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल रही शाइस्ता का घर परिवार बर्बाद हो चुका है, जबकि माफिया पति अतीक और गैंगस्टर देवर अशरफ की भी हत्या हो चुकी है। बावजूद इसके चकिया की बेताज क्वीन ना कब्रिस्तान पहुंची, ना ही पुलिस के सामने सरेंडर किया। चुनावी जलसों में मगरमच्छ के आंसू बहाने में माहिर अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता को लेकर जो बड़ी जानकारी सामने आई वो होश उड़ाने वाली है। सूत्र के मुताबिक शाइस्ता परवीन पुलिस से बचने के लिए अंडरवर्ल्ड लिंक का इस्तेमाल कर रही है। लोकल नेटवर्क के तबाह हो जाने पर इंटरनेशनल लिंक का इस्तेमाल हो रहा है। अब अतीक के भरोसेमंद और करीबियों से भी शाइस्ता का भरोसा उठ गया। मौका मिलते ही देश छोड़ दूसरे मुल्क भाग सकती है शाइस्ता। अपराध की दुनिया में कदम कदम पर अतीक का साथ देने वाली शाइस्ता की नजर यूपी और दूसरे राज्यों में फैले अतीक के काले साम्राज्य पर भी है। जिस साम्राज्य को अतीक ने खड़ा किया उसे शाइस्ता भी सींचती आई है। ऐसे में खबर तो ये भी है कि शाइस्ता हर हाल में अतीक के काले साम्राज्य की क्वीन बनना चाहती है, जिसके लिए शाइस्ता सुरक्षित ठिकानों की तलाश में है ताकि वहीं से अतीक गैंग की विरासत संभाल सके। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता पुलिस को चकमा दे रही है। वो लगातार लोकेशन बदलती जा रही है और अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर पुलिस की पकड़ से अभी तक दूर है। आखिरकार पुलिस शाइस्ता तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, इस बात का खुलासा खुद STF के DGP ने टैंक्स ऑन भारत पर किया है। DGP ने शाइस्ता को लेकर क्या कहा है सुनिए। अपराध की दुनिया का खुकार यूपी का दुर्दांत माफिया अतीक अहमद दूसरों की जमीन हड़पने के लिए कुख्यात रहा। इस काम में उसकी पत्नी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन भी भागीदार रही। शाइस्ता पर भी लोगों को डराने धमकाने के कई मामले दर्ज हैं। जरायम की दुनिया की लेडी क्वीन शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है। शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलिस ने 50,000 के इनाम की घोषणा की, लेकिन अब तक शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऐसी क्या वजह है कि शाइस्ता पुलिस की पकड़ से दूर है, STF DIG ने खुद बताया। शाइस्ता परवीन के बारे में भी हम लोग की टीमें लगी हुई हैं। थोड़ा सा एक जो पर्दा नशीं औरत होने का एक लिमिटेशन है, लेकिन कुछ नहीं, हम लोग पूरा प्रयास करके बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। उमेश पाल हत्या की साजिश रचने वाली शाइस्ता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस वारदात के बाद अतीक एंड फैमिली के इतने बुरे दिन आने वाले हैं। खैर जो भी हो, कानूनी तौर पर आज नहीं तो कल शाइस्ता को भी अपने जुर्म का हिसाब देना ही होगा। और अतीक अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों को देखिए, आज
कोर्ट में यहाँ पर पेश किया गया, जहाँ से कोर्ट ने उन तीनों आरोपियों को 4 दिनों की SIT रिमांड पर भेज दिया है। जी, आरोपियों की रिमांड मिलने के साथ ही अब अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़े कई ऐसे राज हैं। माना जा रहा है कि इन तीनों आरोपियों से उन सभी राजों को उगलवाया जाएगा। और टाइम्स नाउ भारत के पास सवालों की एक्सक्लूसिव जानकारी भी है, जो अतीक हत्याकांड से जुड़े सारे राज खोल देंगे। अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी, ये तीनों वही शूटर हैं जिसने महज 9 सेकंड के भीतर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी थी। आज जबरदस्त सुरक्षा के बीच अतीक हत्याकांड के तीनों आरोपी को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने इन आरोपियों को SIT की कस्टडी में भेज दिया। ऐसे में SIT की टीम तीनों शूटर से वो सारे राज उगलवाएगी, जिसकी वजह से सरेआम पुलिस कस्टडी में अतीक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। टाइम्स नाउ भारत के पास उन सवालों की एक्सक्लूसिव लिस्ट है, जिसके मुताबिक सवाल नंबर 1, अतीक अशरफ को क्यों मारा। सवाल नंबर 2, अतीक अशरफ मर्डर के पीछे कौन। सवाल नंबर 3, हथियार कहां से मिले। सवाल नंबर 4, हत्याकांड की प्लानिंग में कौन कौन शामिल। सवाल नंबर 5, हत्याकांड को अंजाम देने के लिए कितने पैसे मिले। सवाल नंबर 6, जिस बाइक से आए वो कहां से मिले। सवाल नंबर 7, पहले किसी माफिया के लिए काम किया है। सवाल नंबर 8, हत्या के बाद भागे क्यों नहीं। ये चंद ऐसे सवाल हैं जो अतीक हत्याकांड के सारे राज खोल सकता है। अपराध की दुनिया में कदम रखने के साथ ही अतीक अहमद अपने साम्राज्य के विस्तार में जुट गया। उस साम्राज्य में अतीक के वे काले कारोबार भी शामिल हैं, जिसे उसने जबरन अपना नाम करवाया। अतीक के गुनाहों में कदम कदम पर साथ देने वाली उसकी पत्नी शायस्ता भी इस साम्राज्य की भागीदार बनी है और अकूत संपत्ति की महारानी बन बैठी है। अतीक के अंत के बाद उन काले साम्राज्यों का भी खुलासा हो रहा है, जो UP से लेकर हरियाणा तक फैला है। रिपोर्ट देखिए। जुर्म की दुनिया में रहते हुए अतीक अहमद ने अकूत संपत्ति बनाई। जिस जमीन या प्रॉपर्टी पर अतीक की नजर पड़ी, उस जमीन को अतीक ने हर हाल में हासिल किया, फिर चाहे इसके लिए किसी बेकसूर की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। यूपी हो या दिल्ली, महाराष्ट्र हो या गुजरात, अतीक के अरबों का साम्राज्य हरियाणा तक फैला है। अतीक के जेल जाने के बाद से उसकी पत्नी शाइस्ता के हाथ ही काले कारोबार की कमान थी। इस दौरान शाइस्ता ने अतीक के नक्शे कदम पर चलते हुए न सिर्फ साम्राज्य को बढ़ाया, बल्कि प्रयागराज से लेकर गुरुग्राम तक कई प्रॉपर्टीज बनाई। SGF को अतीक और शाइस्ता की गुरुग्राम की कई रियल एस्टेट कंपनीज के बारे में पता चला, जिसमें अतीक के नाम से फना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम में ही है, जबकि इसी नाम से दूसरी कंपनी भी है जो शाइस्ता के नाम से रजिस्टर्ड है। गुरुग्राम में ही जाफरी स्टेट लिमिटेड का रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है, जिसकी मालकिन शाइस्ता है। वही शाइस्ता के भाई फारूक और जकी के नाम से MJ इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, MJ इंफ्रा हाउसिंग, MJ इंफ्रा स्टेट हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड भी गुरुग्राम में ही है। प्रयागराज में अतीक और शाइस्ता के फैले काले साम्राज्य की बात करें तो SGF को 1000 स्क्वायर हेक्टर से ज्यादा की जमीन का पता चला है, जो बड़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट में शामिल है। जांच के दौरान SGF को कुछ दस्तावेज और कॉल रिकॉर्ड्स भी मिले, जिसके अनुसार अतीक अपने बेटों को इन कंपनियों में निदेशक बनाना चाहता था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूडान में गृह युद्ध इस कदर तेज हो चुका है कि अब तक 200 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1800 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हो चुके हैं।